हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YWB व्लॉग्स। आज आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ी है एक्टिवा, तो मैं फटाफट आपको इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ आगे से ऐसी दिखती है, साइड से कुछ यहाँ पे आपको एक्टिवा की बैजिंग मिल जाती है। ये स्कूटी वैसे पुराना मॉडल है मुझे पता है, पर हमारे पास आई है तो इसलिए हम इसका रिव्यू कर रहे हैं आज। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, आप देख सकते हैं इस साइड से भी वैसी दिखती है जैसे उस साइड से दिखती है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। मैंने आपको वॉक अराउंड दे दिया, हम अपने ओनर को बुलाते हैं जो स्कूटी लेकर आए हैं। तो गाइज़ ये हमारे ओनर है जो एक्टिवा लेकर आए हैं। और मिंटू भाई क्या हाल है आपके? राम राम भाई। राम राम। तो भाई जिन जिन्होंने मेरी बुलेट वाली ओनरशिप की रिव्यू देखी होगी उनको पता होगा कि इन्हीं भाई की बुलेट थी वो वाली भी, और ये एक्टिवा भी इन्हीं की है। बताओ फिर कौन से साल का मॉडल है ये भाई? ये 2014 का मॉडल है भाई। डिसएडवांटेज बताओ। ब्रेकिंग है भाई, और तो ऐसा कुछ है नहीं। स्कूटी है, भगेगी तो है नहीं है। ये देखो भाई ने जाट का स्टिकर लगवा रखा है। भाई जाट भाई हो ये आप? मेन है, ये चीज मेन है। ये देखो भाई हिंदू। चलो अच्छा है, धर्म का स्टैंड लेना आता बहुत अच्छे से भाई। उस साइड से मैंने बैटमैन का भी लिखवा रखा है, बैटमैन भी छपा है। ये देखो गाइस यहाँ पे बैटमैन का स्टिकर भी लगा हुआ है। ये भाई। पार्किंग में लगी हुई थी, किसी ने गिरा दी थी। ये पार्किंग में लगी थी, उसको मैंने लगी। चलो कोई बात नहीं। क्या अच्छा लगता है आपको स्कूटी में? भाई स्कूटी ऑलराउंड से ये एवरेज भी सही दे रही है मेरी। कम से कम 1.5 साल से ऊपर होगा, इसकी सर्विस तो कराई है नहीं मैंने, अच्छा लेकिन 40 की एवरेज है अभी भी। तो सही है ना। तो आपने मेरे को बताया ये 9 साल पुरानी स्कूटी है, 2014 का मॉडल है, राइट? हाँ ओके, मतलब 10 साल पुरानी होगी ऑलमोस्ट। इतनी है। तो 10 साल में आपको डिसएडवांटेज बस ये लगते हैं कि इसकी ब्रेक्स कम है बस, और स्कूटी है ज़्यादा भगती नहीं है। यस, हाँ और कोई डिसएडवांटेज नहीं ये लगता? एडवांटेज में ये है, एवरेज स्कूटी के मुकाबले और उसे अच्छे देते हैं, एंटॉक्स अच्छी दे देती है। अच्छा, फिर भाई एंटोर भी तो है, भी तो परफॉर्मेंस हाँ स्कूटी। वो 125 cc होगी। हाँ, अब इसका पिकअप टेस्ट दिखाते हैं आपको। तो भाई हम अपनी स्कूटी पे आ चुके हैं, अब मैं आपको एक बार इसका पिकअप दिखाता हूँ, पिकअप कैसा आता है। तो 1 2 3 एंड स्टार्ट। इसमें इसके पिकअप में दिक्कत है, एक बार दोबारा करते हैं हम पिकअप। भाई इसका पिकअप में मेरे को ये चीज़ लगा कि उठने में बहुत डिले था स्कूटी को डिले है उठने। थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे तुम रेस्ट हो ना, हल्की टाउन मारेगी फिर उठेगी। हाँ वही चीज़। हाँ और वो भी मैंने बताया था, 1.5 साल की सर्विस के लिए वही चलाता ही नहीं मैं। तो भाई इसमें मेरे को पिकअप में बस ये लगा कि जैसे इसकी हम फुल थ्रॉटल देते हैं तो पहले स्कूटी बैक मारती है एकदम से, फिर उठती है, फिर भागती है। स्कूटी में बस ये एक प्रॉब्लम लगी मेरे को, और बाकी स्कूटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई के हिसाब से भी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना भाई? हम बाइक पे आ चुके हैं, ये रहे भाई स्कूटी पे। अब एक ड्रैग करने वाले हैं यहाँ से लेकर एंड तक की। तो भाई रेडी हो? 3 हॉर्न देंगे, तीसरे हॉर्न पे स्टार्ट। तो भाई हमारी पैशन जीत गई, भाई हार गए। ऑलरेडी जीत गए भाई, भाई पीछे रह गए। भाई हार कैसे गए? भाई स्कूटी यार, तो मैं लेके आऊँ बुलेट लेके आऊँ नहीं बोलियो, हार कैसे गए? चलो गाइस ये थी हमारी ड्रैग रेस। तो गाइस ये थी हमारी एक्टिवा की वीडियो, मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे भी और इन भाई का भी चैनल है मिंटू अलावत के नाम से, भाई को भी सब्सक्राइब करो। यही थी हमारी आज की वीडियो, मैं होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।